एंजाइम काम है किसी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देना, ठीक है। तो एंजाइम क्या काम करते हैं, किसी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। ग्रुप TRAT सब्सट्रेट को PRODUCT प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपने चावल ले लिया, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता, तो चावल यहाँ पूरी प्रोसेस करता हुआ एंजाइम तक जाता, एंजाइम आगे पास करता है चावल को, तो जब चावल एंजाइम आगे पास होता है सब्सट्रेट के रूप में मिलता है, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है एंजाइम, यानी कि चावल तो हमने खाया, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो चावल में चावल को अलग किया, कार्बोहाइड्रेट को अलग किया, तो जो चावल का कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अलग कौन करता है, एंजाइम करता है, यानी कि उसको सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदल के एंजाइम खड़ा कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चावल था वेस्टेड पदार्थ था तो वो नीचे चला गया, और जो हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट था वो निकल गया, वो पूरी बॉडी में लग जाता है। तो इस तरह पूरी प्रोसेस होती है भोजन की। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, कैसे होता है, उसमें प्रोसेस ही अलग हो जाती है। यानी कि हम जिस फूड को लेते हैं उसमें केमिकल, बायोकेमिकल, मैकेनिकल तीन प्रोसेस होते हैं, तीन प्रोसेस में डाइजेशन होता है उनका। यानी कि भोजन जो हम खाते हैं लेते हैं तो उसका जो पाचन होता है वो तीन प्रोसेस में होता है, ठीक है। सब भोजन का पाचन जो होता है तो तीन प्रोसेस में होता है, मैंने बताया। तो भोजन